हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं ये वाला टेक्स्ट इफेक्ट। ओके, तो और हम लोग यूज करेंगे अडोबे फायरफ्लाई का। सो बेसिकली गाइस, बिफोर आई स्टार्ट आई जस्ट वांटेड टू गिव अ थैंक्स, जहाँ से मैंने लर्निंग लिया है जेट क्लासेस, जहाँ पे ये अपने पोस्ट पेज पे बहुत सारे ऐसे ट्यूटोरियल्स बना के डालते रहते हैं, जहाँ से मैंने भी सीखा है समथिंग लाइक दिस। ओके, तो अब इनके चैनल पे क्या है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा फास्ट है एंड आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू लर्न। एंड देन जो इन्होंने अपना यूट्यूब चैनल बना रखा है उसको भी मतलब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टाइप नहीं है, मतलब ही इज नॉट काइंड ऑफ टॉकिंग एनफ। आई थॉट लेट्स इफ आई कैन गो अहेड एंड टीच, मेबी दैट माइट हेल्प। ओके, तो गाइज ये देखो, मैंने अभी टेस्टिंग के लिए मैंने कुछ ऐसा बनाया था, तो आई विल बी स्टार्टिंग दिस एंटायर थिंग फ्रॉम स्टार्ट। ओके, तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे इलस्ट्रेटर में। गाइज इलस्ट्रेटर में आपको एक ही ऐसे से टेक्स्ट बनाना है, टेक्स्ट आप कैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, और इसकी प्लेसमेंट आप कुछ भी कर सकते हैं जैसे आपको ठीक लगे। ठीक है, आप यहाँ रखना चाहें, यहाँ रखना चाहें, यहाँ रखना चाहें, या फिर आपका नाम अगर आप लिखना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने अपने हिसाब से, कलर का कुछ ऐसा नहीं है, कलर आप कुछ भी ले सकते हो, आप इसको प्योर ब्लैक या वाइट कर सकते हो। तो मैंने इसको ऐसे ही रखा हुआ है, लाइक जस्ट टू मेक जस्ट जस्ट फॉर माई नॉलेज कि प्लेसमेंट कहाँ पे खत्म हो रही है। ठीक है, एंड जस्ट टू सी द कनेक्टिविटी ऑफ ईच लेटर। ठीक है, तो इसके बाद गाइस हम लोग सीधे सीधे जाएंगे अपने, इसको हम कर देते हैं क्लियर, एवरीथिंग इज क्लियर नाउ, कुछ भी ऐसा नहीं है। ये वाला प्रॉम्प्ट हम रिटेन करेंगे। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं ये पूरा का पूरा स्टार्ट करके फिर से शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो नाउ वी आर स्टार्टिंग। मैंने ये ऑलरेडी कहीं पे लिख के रखा हुआ है, सो सिंपली कॉपी दिस एंड पेस्ट इट हियर। आप ये पढ़ लीजिए, 3D शेप बीइंग कुशन फ्लोटिंग इन द एयर, फैब्रिक टेक्सचर ऑन अ वाइट बैकग्राउंड। ओके, एंड देन लेट्स हिट द बटन जनरेट एंड लेट्स सी द फायरफ्लाई मैजिक। तो गाइस आप ये देख सकते हैं, ये वाला प्रॉम्प्ट के बाद जो अपने को रिजल्ट आया है वो कुछ ऐसा है। आप हो सकता है आपके बारे में रिजल्ट कुछ डिफरेंट आए, डजंट मैटर। ठीक है, आप उसमें से देख लीजिए आपको कौन सा अच्छा लग रहा है। अब जैसे मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है तो मैं इसको कर लूँगा डाउनलोड। ठीक है, ये देखिए मैंने कुछ जो पहले के टेस्टिंग के लिए बनाए थे वो सारे यहाँ पे अपीयर हो रहे हैं। अब क्लिक ऑन सेव। नाउ अगेन गो बैक टू योर दिस थिंग, यहाँ पे जो आपका फायरफ्लाई है, और यहाँ पे स्ट्रक्चर करके जो आ रहा है, यहाँ पे आपका जो रेफरेंस इमेज है वो आएगा, ये वाला जो आपने एबीसीडी बनाया है, ये पॉपअप आएगा, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं, जस्ट क्लिक ऑन कंटिन्यू। ओके, और जो स्ट्रेंथ रहेगा वो आप कर दीजिए 100%। और इसके बाद जो स्टाइल है उस पर आपको क्लिक करना है, और उस पर आपने जो डाउनलोड किया है मेरे हिसाब से ये वाला है। ठीक है, थोड़ा सा मिक्स हो रहा है क्योंकि मैंने इमेजेस बहुत सारी बना दिया। और यहाँ पे आप चाहे तो आपके थोड़े बहुत जो स्टाइल है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मैं अभी हाइपर रियलिस्टिक के साथ जा रहा हूँ। समटाइम्स आई यूज दिस 3D एज वेल, बट अभी के लिए मैं उसको नहीं ले रहा हूँ। सो लेट्स अगेन क्लिक द बटन जनरेट। तो गाइज रिजल्ट आपके सामने आ गए हैं, ये उतना अच्छा नहीं है और ये भी इतना अच्छा नहीं है। मेरे ख्याल से जो टेक्स्ट है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है विद दिस इफेक्ट। ओके, तो ये समवॉट है, लेट्स क्लिक ऑन री जनरेट अगेन, तो मुझे वो पसंद नहीं आया। लेट्स सी, खुल गाइस। तो इस बार देखिए जो रिजल्ट आया पहले के मुकाबले बेटर आए हैं, और ये मुझे उतना बुरा नहीं लग रहा है, दिस इज मैनेजेबल। सो गाइस समटाइम्स क्या होता है, जो आपने इमेज चूज कर रखी है या तो वो कॉम्प्लिकेटेड होगी, या फिर आपका जो टेक्स्ट का जो फॉन्ट है वो हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड हो। अगर आपका रिजल्ट आपके हिसाब से नहीं सही आ रहा है तो ट्राई चेंजिंग द फॉन्ट और मे बी द इमेज स्टाइल यू हैव चोजन। ओके, तो यहाँ पे देखिए मेरे को जो मुझे चाहिए था इसमें वो सही आ रहा है, एकदम जो इफेक्ट मुझे चाहिए था। ठीक है, आप एक बार ट्राई कीजिएगा और डोंट फॉरगेट टू शेयर मी द रिजल्ट इफ यू ट्राई, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो कॉमेंट। ओके, थैंक यू सो मच।